आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेल्फिश जायंट के बारे में। सेल्फिश जायंट काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं। बच्चे थे जो एक जायंट के गार्डन के अंदर खेला करते थे। वो जहाँ जो गार्डन था उसकी जो ग्रास थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स उगते थे ट्रीज़ के ऊपर, और जो बर्ड्स थी वहाँ पर गाने भी गाया करती थी और उड़ा भी करती थी। एक दिन की बात है कि वो जो जायंट था वो वापस अपने घर पर आता है, अपने गार्डन के अंदर वो वापस आता है आफ्टर 7 ईयर। 7 साल तक वो अपने एक फ्रेंड के साथ रहा था, जिसके साथ वो रहकर अब वो वापस अपने घर पर आया था। जब वो अपने घर पर आता है तो वो बच्चों को खेलते हुए देखता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है, और बच्चे भी उतने बड़े जायंट को देखकर डर जाते हैं, वो भागने लग जाते हैं। और वो उन बच्चों को गुस्से में बोलता है कि ये जो गार्डन है ये मेरा गार्डन है और कोई भी यहाँ पर आकर खेल नहीं सकता। वो अपने गार्डन के चारों तरफ एक दीवार बना देता है और उस पर नोटिस लिखता है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। मतलब कि जो भी इस दीवार को कूद कर आएगा या फिर इस एरिया के अंदर आएगा उसको मैं मार दूंगा। द चिल्ड्रन हैड नो प्लेस टू प्ले। अब जो बच्चे थे उनके पास कोई भी जगह नहीं बची थी खेलने के लिए। वो बेचारे इधर से उधर घूमते रहते थे और बात करा करते थे कि जो जायंट का गार्डन था वो कितना अच्छा था, कितनी अच्छी जगह थी, लेकिन अब वो बेचारे वहाँ पर जाकर खेल नहीं सकते। तभी स्प्रिंग सीजन आ जाता है और ये देखते हैं कि चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि क्या होने लग जाता है, ब्लॉसम, मतलब सब पेड़ों के न्यू पत्ते आने लग जाते हैं। वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि बर्ड्स होती हैं बहुत सारी, छोटी छोटी बर्ड सिंग कर रही होती हैं कुछ सॉन्ग्स को। लेकिन एक चीज़ जो बहुत दुख वाली थी वो ये थी कि जो जायंट का गार्डन था उसमें अभी भी विंटर था। वहाँ पर कोई भी बर्ड गाना नहीं गा रही थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं था। और वहाँ पर एक फ्लावर तो निकला था ज़मीन से, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर देखता है कि कोई भी वहाँ पर नहीं है, और वो जैसे ही नोटिस की तरफ देखता है तो वो वापस ज़मीन के अंदर सोने के लिए चले जाता है। जो जायंट का गार्डन था उसके अंदर स्नो थी, मतलब बर्फ थी और फ्रॉस्ट थी। वहाँ पर कोई भी फ्रूट वगैरह भी नहीं उग रहा था, ना ही कोई फ्लावर, और वो मतलब वाइट ही लगता था। और वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती रहा करती थी। ये किस वजह से हुआ था? ये हुआ था जायंट की सेल्फिशनेस की वजह से। वो बच्चों को खेलने नहीं दे रहा था, इस वजह से उस गार्डन की ये वाली हालत हो गई थी। वहाँ पर ना ही कोई स्प्रिंग आता था और सिर्फ हर टाइम ही सर्दी रहा करती थी और ठंडी हवाएं चला करती थी। तो ये सारी चीज़ें उसके गार्डन में हुआ करती थी। एक दिन की बात है कि उसको बहुत ही जायंट को जब वो सुबह सुबह उठता है तो उसको बहुत ही सुंदर म्यूज़िक की आवाज़ आती है। बहुत सुंदर होता है वो म्यूज़िक, और उसको ये लगता है कि शायद कोई किंग का म्यूजिशियन है जो ये गाना गा रहा है। लेकिन नहीं, वहाँ पर होती है एक लिनेट बर्ड। लिनेट इज़ ए टाइप ऑफ बर्ड जो मतलब काफ़ी अच्छा गाना गाती है। तो वो वहाँ पर गाना गा रही होती है उसकी विंडो के बाहर। जायंट ये देखता है कि वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जो बर्ड्स हैं वो गाना गा रही हैं, और वो देखता है कि जो भी हवाएं वगैरह थी वो भी रुक गई हैं और जो विंटर है उसके गार्डन में ख़त्म सा हो गया है। जायंट ये देखता है अपनी विंडो के बाहर कि उधर बच्चे खेल रहे थे जो कि उसके गार्डन के अंदर एक छोटे से छेद के अंदर से निकलकर आ गए थे। वो सब ब्रांचेस के ऊपर, जो पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर बैठ गए थे और बहुत ज़्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इस वजह से जो ट्रीज थे उन्होंने भी ब्लॉसम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर ग्रीन कलर की पत्तियाँ दिखने लग गई, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स वगैरह दिखने लग गए, और बर्ड्स भी फिर दोबारा गार्डन के अंदर आ गई, गाने वगैरह गाने लग गई बर्ड्स, और इधर से उधर उड़ने लग गई, और जो फ्लावर्स थे वो भी उग गए थे दोबारा। तो ये सारी चीज़ें देख कर जायंट को काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन एक कोना ऐसा था उसके गार्डन के अंदर जहाँ पर अभी भी सर्दी थी। वो कोना था जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, और वो बहुत देर से ट्राई कर रहा था कि वो कैसे भी कर एक पेड़ के ऊपर उसकी ब्रांचेस पे बैठ जाए, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। जो जायंट था वो ये देख कर थोड़ा सा है ना, मतलब उसका जो दिल होता है वो पिघल जाता है, उसको थोड़ा सा ये लगता है
कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश था, और अब उसको हाँ समझ में आता है कि स्प्रिंग जो था वो क्यों नहीं आ रहा था उसके गार्डन में। वो डिसाइड करता है कि मैं अब जो ये छोटा बच्चा है इसको ट्री की ब्रांच के ऊपर बिठाऊंगा, और वो जो जितनी भी दीवारें हैं अब इनको भी मैं तोड़ दूंगा और बच्चों को अलाउ कर दूंगा यहाँ पर खेलने के लिए। वो ये सारी चीज़ें अपने मन के अंदर सोचता है, और उसको बुरा भी लगता है कि जो भी मैंने करा वो गलत था। अब वो जैसे ही बाहर निकलता है उस बच्चे की हेल्प करने के लिए, जितने भी और बच्चे होते हैं देखकर डर कर भाग जाते हैं। सारे बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन वो जो छोटा सा बच्चा होता है उस वो तो बेचारा रो ही रहा होता है, वो तो दुखी मना रहा होता है कि यार मैं इस पेड़ पे नहीं बैठ पा रहा, मैं इस ब्रांच पे नहीं बैठ पा रहा। वो नहीं देख पाता कि जाइंट उसकी तरफ आ रहा है। जाइंट उस बच्चे की तरफ आता है और उसको उस पेड़ के ऊपर बिठा देता है। जैसे ही वो उस बच्चे को उस पेड़ के ऊपर बिठाता है, पेड़ फिर दोबारा से ब्लॉसम करना स्टार्ट कर देता है, और जो छोटा बच्चा होता है वो जाइंट को किस करता है। वो बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा उसको खुशी होती है, और ये सारी चीज़ें देखकर, जाइंट की ये सारी एक्टिविटीज़ को देखकर जो और बच्चे होते हैं उनको लगता है कि अरे ये जाइंट इतना भी बुरा नहीं है, और वो भागे भागे दोबारा गार्डन के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो बच्चे गार्डन के अंदर दोबारा आते हैं, वैसे ही वहाँ पर स्प्रिंग सीजन आने लग जाता है उसके गार्डन के अंदर, जाइंट के गार्डन के अंदर। जाइंट अब उन बच्चों को बोलता है कि ये जो गार्डन है ये बच्चों तुम्हारा ही गार्डन है, तुम कभी भी आकर खेल सकते हो, और जितनी भी दीवारें थी वो उनको तोड़ देता है। अब जो जाइंट होता है वो हर रोज हर शाम के टाइम पे बच्चे जब खेलने आया करते थे तो उनसे पूछा करता था कि वो छोटा बच्चा कहाँ पर है और वो क्यों नहीं आया खेलने के लिए। ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत गए। जाइंट बच्चों के साथ हर आफ्टरनून में खेला करता था और एंजॉय करा करता था, लेकिन अब जाइंट थोड़ा बुढ़ा हो गया था और थोड़ा वीक भी। वो बच्चों को खेलते हुए देखता था और बहुत ज़्यादा ये इंजॉय करता था, और उसको ये लगता था कि बच्चे सबसे ब्यूटीफुल एक फ्लावर की तरह होते हैं, बच्चे एक ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह होते हैं। अब एक दिन की बात है कि जाइंट को वो छोटा बच्चा जिसकी उसने हेल्प करी थी उसको खड़ा हुआ दिखता है ट्री के नीचे, और जाइंट अपनी आईज को रब करने लग जाता है। वो देखता है कि अरे ये यही बच्चा है या फिर कोई और है। तो वो जब उसके पास जाता है, उस बच्चे के पास जाता है, तो वो उस बच्चे के देखता है कि उस बच्चे के ऊपर निशान वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब वो घायल हो रखा है, वाउंटेड हो रखा है, उसकी बॉडी के ऊपर चोट के निशान है। तो ये सारी चीजें देखकर जाइंट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, किस आदमी ने तुम्हें मारा, किस आदमी ने तुम्हें हाथ लगाने की जरूरत करी, मैं देखूंगा कौन है वो। वो बच्चा बोलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि किसी ने मेरे को कुछ भी मारा, ये तो प्यार के निशान है। तो जाइंट बोलता है, और वो जाइंट को बोलता है कि आओ आओ चलो तुम मेरे भी गार्डन में चलो, और उसकी तरफ हंसते हुए उसको अपने गार्डन के अंदर ले जाता है। अब ये जो बच्चा होता है उसका जो गार्डन होता है वो होता है पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। तो अब यहीं से आप समझ गए होंगे कि वो बच्चा कौन था और वो जाइंट को कहाँ पर ले जाता है। वो जाइंट को प्रेज करता है उसके अच्छे काम के लिए बेसिकली। अब क्या होता है, अब जो बच्चे होते हैं वो शाम को फिर दोबारा से खेलने आते हैं, और उनको उसी ट्री के अंडर जहाँ पर वो लड़का जाइंट को लेकर गया होता है, वो लिटिल बॉय जाइंट को लेकर गया होता है पैराडाइज के अंदर, वहाँ पर जाइंट की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसके ऊपर क्या था, वाइट ब्लॉसम, कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम। तो यहीं से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इससे समझ में आता है दैट वी शुड नेवर बी सेल्फिश। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी अगर ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपने लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो। सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।